अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यूनिक एक अंडे की रेसिपी, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही डिलीशियस भी होती है। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूं अंडों का मैसअप या अंडों की मिठाई। तो मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपसे इस रेसिपी को ज़बरदस्त बनाने के लिए शेयर करने वाली हूँ। तो आए हम जल्दी से अपनी आज की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अंडों के मैसअप के लिए मैंने 4 अंडे ले लिए हैं। बादाम मैंने 8 से 10 इस तरह बारीक कट कर लिए थे। चीनी मैंने 1 कप लिया है, चीनी नॉर्मल ली है। घी भी मैंने 1 कप लिया है। चीनी की जितनी मेजरिंग होगी उतने ही आपने घी भी लेना है। किशमिश मैंने यहाँ 8 से 10 अदद लिए हैं। एक कढ़ाई मैंने रख ली है, अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है। अंडे मैंने इसमें डाल दिए हैं, पहले हम मिक्सिंग करेंगे। चीनी भी ऐड कर दी है और मैं इसमें घी भी शामिल कर दूँगी। ये एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बन के तैयार होगी, पर इसमें आपको बहुत कम वक्त और कम मेहनत है। इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, ये आप देख सकते हैं। जब ये मिक्स हो जाए, अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, इसे मैंने फ्लेम पे रख दिया है। इसे इसी तरह से मुस्तकिल चलाते रहना है आपने। ये डिश अपने बहुत सारे कलर्स चेंज करेगी, डिफरेंट फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे इसमें। जब इस तरह से इतना गाढ़ा हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर शामिल कर दें 1/2 चम्मच, और जो किशमिश मैंने रखी थी वो भी डाल दी है। किशमिश अच्छी सी फूल जाती है इसमें, इस वक्त अगर आप डालेंगे तो। अब मैंने एक स्पैचुला ले लिया है और मिक्सर को हटा दिया है इससे। अब शुरू होती है हलवे की बुनाई। आपने ये सारा काम मीडियम फ्लेम पे करना है। आप देख सकते हैं अभी ये किस कलर का है। आहिस्ता आहिस्ता ये कलर चेंज करेगा। जब ये हलवा हल्का बादामी कलर का हो जाएगा तो फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। फिलहाल आप इसे देखते जाएं। ये देखें, अब थोड़ा सा कलर आपको डिफरेंट लग रहा होगा। इसी तरह से हल्की आँच पर आपने इसे भूनते रहना है। देखते ही देखते ये मिठाई ज़बरदस्त सी तैयार होकर आपके सामने आ जाएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है यहाँ पर। ये देखें, आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारी मिठाई अब किस तरह की हो गई है। इस तरह जब बिल्कुल बादामी कलर हो जाए तो आप इसे उतार लें। ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अब हमने इसे जमा लेना है, क्योंकि हमने इसकी टुकड़ियाँ काटनी हैं। आप इसे अंडों का टुकड़ी वाला हलवा भी कह सकते हैं। एक स्पैचुला की मदद से आपने अच्छी तरह से इसमें से सेट कर देना है। आप देख रहे होंगे ये थोड़ा थोड़ा सा घी रिलीज हुआ हुआ आपको दिख रहा है ऊपर, लेकिन कोई मसला नहीं। जब ये हलवा ठंडा होगा तो ये सब कुछ सेट हो जाएगा। 1/2 घंटा आपने इसे इसी तरह से रखना है। 1/2 घंटे के लिए मैंने ठंडा होने को इसे छोड़ दिया है। फिर हम इसकी टुकड़ियाँ अलग कर लेंगे। ये देखें, हलवा हमारा ठंडा हो चुका है और अब मैं इसे प्लेट में निकाल देती हूँ। कर्ट्स हमने इसे लगा लिए थे गर्म में ही, क्योंकि अगर आप ठंडा होने के बाद कर्ट्स लगाएंगे तो ये हलवा टूट जाएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार सा बेहतरीन सा अंडों का मैसअप, अंडों का टुकड़ी वाला हलवा या अंडों की मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ, ये कितना अच्छा सा जम चुका है। वाओ, ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलूंगी किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।